आगरा में जीआरपी ने 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। ये बदमाश ट्रेन से यात्रियों का सामान चोरी किया करते थे। जीआरपी ने इनके पास से चोरी के 8 मोबाइल, 2 लैपटॉप और 4 चाकू बरामद किए हैं। पकड़े गए चारों बदमाशों को जेल की सलाखों के पीछे भेज दिया गया है। वेटिंग रूम में कुछ यात्री मतलब सो रहे थे, कुछ के मोबाइल चार्जिंग पे लगे थे, तो ये चार लोगों के द्वारा उनके मोबाइल और कुछ बैग उठा के लैपटॉप चुरा लिए गए। इसी सूचना पर आईएसओपी अश्निरा जो यहाँ आए हुए थे और नाइट अधिकारी राइज अहमद के द्वारा इनको घेराबंदी कर समय करीब 12:30 बजे इन्हें प्लेटफॉर्म नंबर 4 से मंदिर के पास इन्हें अरेस्ट किया। इनमें रहने वाले अवधेश कुमार और विजेंदर सोनू खान, रमेश कुमार जो एक पालम का हिमाचल का रहने वाला है, एक अलीगढ़ इगलास और एक मऊ आजमगढ़ का रहने वाला है, और एक व्यक्ति जो है इसमें ये रहने वाला वो राजस्थान का लेकिन दिल्ली में रहता है। इनसे बरामद से 2 लैपटॉप चोरी किए, 8 मोबाइल और 4। ये लोग मतलब इनका कहना है कि चोरी तो 2-3 महीने से चोरी है उसमें थे, लेकिन बेसिकली ट्रेनों में जब चार्जिंग पे लगा मोबाइल और अगर बैग रखा है जैसे पैसेंजर की निगाह बसती थी तो उस बैग को उठा लेकर उठा लेते हैं। शुरुआत का मतलब चोरी काफ़ी समय से करने के लिए पकड़े पहली बार गए इनके अनुसार, लेकिन फिर भी इनके आपराधिक इतिहास की जानकारी की जाएगी। जाके रहने वाले वो संबंधित थाने पर सूचना देके कोई अपराध दर्ज होगा तो उसके बारे में। शिया वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष वसीम रिजवी अयोध्या पहुंचे, जहां उन्होंने श्री राम जन्मभूमि न्यास के अध्यक्ष महंत नित्य गोपाल दास के उनके 80वें जन्मदिन की मुबारकबाद दी। और महंत से मुलाकात के बाद वसीम रिजवी यहां की कार्यशाला भी पहुंचे और तराशे गए पत्थरों और राम जन्मभूमि के मॉडल का जायजा लिया। जिसकी धरती पर, जिसकी जमीन पर पल पुस रहे, उसी की छाती पे खंजर भोंकने की तैयारी कर रहे। एक मुकदमा जीतने से बेहतर है कि करोड़ों राम भक्तों के दिलों को जीता जाए, या तासुब से नहीं चलने वाला। जिनको तासुब बरतना है, जो तासुब के सौदागर हैं, उनकी जगह हिंदुस्तान में नहीं पाकिस्तान में है। दाऊद इब्राहिम की तरह से जैसे दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में शरण लिए हुए हैं, वैसे ये तासुब के जो सौदागर हैं इनको भी पाकिस्तान नहीं शरण लेनी चाहिए। हिंदुस्तान के मुसलमानों, जो सेकुलर मुसलमान हैं, वो चाहते हैं कि ये विवाद खत्म हो जाए, अयोध्या में राम मंदिर बने और मुसलमानों के लिए यहाँ पर मस्जिद की ज़रूरत नहीं है। ठीक, हमने प्रस्ताव दिया है कि लखनऊ में मस्जिद अमन बन जाए, हमने कोर्ट में भी ये बात कही है। देवरिया के खोराराम गांव में एक नाबालिग बच्ची को बेचने का मामला सामने आया है, जिसकी खबर मिलते ही पीड़ित परिजनों ने पुलिस की सहायता से न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की है। फोन की थी हमारे नंबर पर, क्या बोली है कि पापा मम्मी हमको बुला लीजिए, नहीं तो हमारा मौसा मौसी हमको वहाँ भेजे है और ताला में बंद करके ऊपर छत पर रख रहे हैं सब, हमको खाना पीना नहीं दे रहे सब। अच्छा, लड़की का क्या नाम है? पूजा। हमीरपुर में दुष्कर्म और अश्लील वीडियो को वायरल करने की धमकी से तंग आकर पीड़िता ने न्याय की गुहार लगाई है। मौदहा थाना क्षेत्र में दबंग ने नाबालिग से कई बार दुष्कर्म किया, उसके बाद अब वीडियो वायरल करने की धमकी दी है। पीड़िता की मां ने कोतवाली पुलिस को तहरीर देकर न्याय की गुहार लगाई है। पीड़िता का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। हापुड़ में एक युवक ने ट्रेन के आगे कूदकर आत्महत्या कर ली। युवक की शिनाख्त में पता चला कि वो बुलंदशहर का रहने वाला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। बताए कहां से आया? ये शाने से आया है ये। जी। इसका ये कुछ ये मोबाइल इसके पास मिला है। और कुछ? और कुछ आईडी वगैरह? और बाकी कुछ नहीं। शाने का है ये कंफर्म? ये तो पता चला, क्लियर नहीं है कि कहां का है भी। इसके जो है घर वालों से बात हुई है, मोबाइल मिला था उसका। अच्छा, घर वालों से बात हुई है। कुछ नाम बताया इसका? हाँ, नाम देव, इसका नाम देविंदर नाम है इसका। देविंदर? शाने का है? शाने का है या हमारे आसपास है कहीं का? अच्छा, ठीक। कन्नौज में सीएम योगी आदित्यनाथ ने एक जनसभा को संबोधित किया।
जहां उन्होंने मंच पर पहुंचने से पहले पूर्व सहकारिता मंत्री स्वर्गीय राम प्रकाश त्रिपाठी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उनकी प्रतिमा का अनावरण किया और इसके बाद मंच पर दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ भी किया, जहां उन्होंने बीजेपी सरकार की उपलब्धियां गिनाई। समझने का प्रयास करना चाहिए और इसीलिए हम बार बार कहते हैं ये देश कांग्रेस मुक्त होना ही चाहिए और उस दिशा में आप हम आह्वान करने के लिए आप सोच सकते हैं कि पिछले चार वर्षों के अंदर कार्यक्रम देश के अंदर लागू है, उत्तर प्रदेश क्यों उसने पिछड़ा। प्रधानमंत्री जी ने घोषणा की थी 2019 तक प्रदेश के अंदर हर परिवार के पास अपना विद्युत का कनेक्शन होना चाहिए, प्रदेश के अंदर हर परिवार के पास अपना व्यक्तिगत शौचालय होना चाहिए, लेकिन उत्तर प्रदेश के अंदर जो सरकार थी वह सरकार विकास में रुचि नहीं लेती थी, उसे जनता से मतलब नहीं था, उसे गांव से मतलब नहीं था, उसे किसान से मतलब नहीं था। आज तो अर्चना जी के पास खनन विभाग है और खनन विभाग के माध्यम से आपने देखा होगा खनन किया है, जो अखिलेश यादव की सरकार में 1400 करोड़ थी, आज अर्चना जी ने एक साल के अंदर उस विभाग की आय को बढ़ा करके 3500 करोड़ से ऊपर। मैनपुरी पुलिस को एक बड़ी सफलता हाथ लगी है, जहां पुलिस ने एक अवैध शस्त्र फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। मुखबिर से मिली सूचना पर पुलिस ने आरोपी को अवैध असलहों और शस्त्र निर्माण सामग्री समेत गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। थाना कृष्णी का ग्राम समंदेर है, वहाँ पर एक घटना है, भट्टे के एक आगे एक चिन्हनुमा जो है डिब्बा बना हुआ था, सूचना प्राप्त हुई थी कि उसमें एक अवैध सस्पेंड चल रही है। इस घटना पर कृष्णी पुलिस और हमारी स्वाट टीम द्वारा कल शाम को दबिश दी गई, उसमें मौके पर एक संजय शर्मा नाम का जो कारीगर पकड़ा गया है जो सस्पेंड चला रहा था, उसके कब्जे से एक एसपीवीएस और छह तैयार तमंचे बरामद हुए हैं। इसके अलावा पूरा फैक्ट्री का सामान बरामद हुआ है। यह अभियुक्त एक साल पहले भी सस्ट फैक्ट्री पकड़ा जा चुका है, जमात में छूटने के बाद दोबारा यह धंधा शुरू कर दिया था, उसको पकड़ लिया गया है दोबारा से और हम इस बार उसकी कनेक्टिव कार्रवाई करेंगे। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है, जहां पुलिस ने लूट की कई घटनाओं को अंजाम देने वाले एक शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया है, जिसके पास से 500 ग्राम चांदी के जेवरात और एक अंगूठी बरामद हुई है। थाना कोतवाली क्षेत्र में एक 9 मार्च को एक वर्मा ज्वेलर्स नाम का व्यापारी था, जो भरतपुर दुकान है, वो शाम की दुकान बंद करके अपना मैनपुरी आ रहा था, तो यहाँ भरतपुर रोड पर भट्टे के पास धंधा मार करके दो अपराधी द्वारा उसका बैग छीन लिया गया था, जिसमें नई पुरानी कई 1.5 किलो चांदी के जेवरात थे। और दूसरी घटना थी अभी 2018 में थाना भोगा क्षेत्र में रिजवाना पुल पड़ता है, उसके पास एक दंपत्ति आ रहे थे, उसको बाइक रोक करके इनके द्वारा एक सोने की चेन झुमकी और एक अंगूठी छीन ली गई थी। इन दोनों घटनाओं में नंदा उर्फ नंदकिशोर यादव और दूसरा रवि उर्फ बॉबी के दौरान प्रकाश में आए हैं। आज रवि को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसके कब्जे से दोनों लूट का करीब आधा माल बरामद हो चुका है और नंदाई की तलाश चल रही है। नंदा एक बहुत ही हार्डन क्रिमिनल है, जिसमें अपने जनपद के अलावा फरुखाबाद में कई मुकदमे हैं और इसके द्वारा पूर्व में एक आरक्षी हत्या की गई लूट के दौरान, तो ये दोनों साथी अपराधी हैं, उसको भी आज गिरफ्तार किया गया है। नंदा की गिरफ्तारी का प्रयास चल रहा है। सर, पुलिस ने लूट का सामान भी बरामद किया, कितने कॉस्ट क्या कीमत रही? करीब 550 ग्राम चांदी बरामद हुई है, इसके अलावा जो अंगूठी बरामद हुई है गोल्ड की, तो करीब ये जाकर के ये 30-40 हज़ार का सामान बरामद हुआ है। मथुरा के थाना श्याम कॉलोनी में एक नाबालिग को अगवा कर दुराचार की घटना सामने आई है, जिसमें सगे 3 भाइयों और एक साथी पर आरोप लगा है, जिसके बाद आरोपी के परिजनों ने पीड़िता पर रंजिश के चलते फंसाने का आरोप लगाया है। वहीं आरोपी 3 भाइयों में से एक भाई की हत्या कर दी गई है, जिसका आरोप युवक के परिजनों ने पीड़िता पर लगाया है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। दोनों में टाइमिंग को लेकर विरोधाभास है, दोनों के स्टेटमेंट को लेकर विरोधाभास है। लड़के का कहना है कि सिर्फ एक आदमी ने हमारे साथ रिलेशन बनाया, उन लोगों ने गैंग रेप दिखाया। लड़की की माँ का भी कहना है सिर्फ एक आदमी ने उसके साथ गलत काम किया, बाकी लोग किडनैप करके ले गए, लेकिन लड़के की पोजीशन क्रिटिकल है, लड़के की पार्शियल हैंगिंग है और लड़का आईसीयू में है,
उनके तरफ से तारीफ प्राप्त हुआ मुकदमा पंजीकृत योजना के लिए। मथुरा में एक पति को अपनी पत्नी की आबरू बचाने की कोशिश भारी पड़ गई और दबंगों ने उसकी जमकर पिटाई कर दी और महिला को आग के हवाले कर दिया। आपको बता दें कि पूरा मामला राया थाना क्षेत्र के बिसावली गांव का है, जहां दबंगों ने इस वारदात को अंजाम दिया। गौरतलब है कि बिसावली गांव के ही कुछ दबंग युवक एक दलित युवती की इज्जत लूटने की कोशिश कर रहे थे और अपने मंसूबे में कामयाब न होने पर उन्होंने महिला को आग के हवाले कर दिया, जिसका इलाज चल रहा है और पुलिस मामले की जांच में जुटी है।